प्लान बी, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक चीज बताता हूं, आप लोग रियल लाइफ में नहीं हो, रियल लाइफ में यहां पे लोग संदीप भैया नहीं होते हैं, जो अपने गर्लफ्रेंड को गारंटेड में रख लेते हैं। यहां पे हम जैसे लोग फैमिली को गारंटेड ले लेते हैं कि कुछ भी होगा फैमिली है ना, और हर एक चीज का एक्सपायरी डेट होता है भाई। अगर मान लेते हैं कि आपके पिताजी को बुलेट चलाने का शौक है, अब आप उनको बुलेट 65+ एज में दे रहे हो, तो फिर वो तो बुलेट चला ही नहीं पाएंगे ना। इसलिए सही टाइम पे सही चीज मिले तो ही इफेक्टिव होता है। इसीलिए हम लोग आज बात करेंगे प्लान बी के बारे में, हाउ टू एग्जीक्यूट प्लान बी। और एक चीज याद रखना, प्लान बी इज ऑल अबाउट 0.1%। जहां पे 99.9% चीजें नहीं होना स्टार्ट होती हैं, वहीं पे 0.1% चीजें होना स्टार्ट होती है। आपको बता दूं कि जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो या फिर रतन टाटा हो, सभी लोग प्लान बी को एग्जीक्यूट करने में बहुत माहिर थे। प्लान बी हर एक जगह पे एग्जीक्यूट करना, चाहे वो आपका कैरियर हो, चाहे आपका वो लव लाइफ हो, या फिर आपका फ्रेंड्स हो। अगर आप बात करते हो कैरियर का, तो 99.9% टाइम जो है वो आप प्लान ई को दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर रहेगा कि अगर नहीं हुआ तो यहीं पे प्लान बी को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो नॉर्मल लोगों की तरह हम लोग भी क्या करते हैं, प्लान ए अगर अनसक्सेसफुल होता है तो प्लान बी को एग्जीक्यूट कर देते हैं। लेकिन मैंने पहले ही बोला है कि यहाँ पे लोग फैमिली को गारंटेड रख लेते हैं और टाइम को गारंटेड रख लेते हैं। इसलिए कृपया अगर फैमिली और टाइम को गारंटेड ना लें और दोनों प्लान ए और प्लान बी को एक साथ एग्जीक्यूट करें। क्योंकि पहले के जमाने में वो बोला जाता था कि भाई दो नाव पे कभी सवारी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये 21st सेंचुरी में अगर आप दो नाव पे सवारी नहीं करते हो तो आप पीछे छूट जाते हो। क्योंकि पहले के जमाने में कंपटीशन नहीं था, अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा समुद्र को। ऐसा तो नहीं है कि हाँ उसका जल स्तर नीचे हो जाएगा एक लोटा में। उसी तरीका से 100% में से 99.9% टाइम दो, आपका जो एम है, हॉबी है, जहां भी देना दो, लेकिन प्लान बी को भी कुछ ना कुछ टाइम देना। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप ऐसा फील करोगे ना कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, तो ये प्लान बी जो है आपको फील कराएगा, मोटिवेट करेगा कि भाई हम हैं अभी तुम्हारे साथ में। जितने भी बड़े लोग हैं उन सभी का यही कहना है कि लाइफ इज ऑल अबाउट हाउ टू हैंडल प्लान बी। अगर आप करियर ओरिएंटेड पर्सन हैं तो प्लान ए और प्लान बी दोनों साथ में एग्जीक्यूट कीजिए। जानते हो प्लान बी बहुत छोटा चीज है, ये जानते हो कब काम आता है, अगर एक्टिव है तो। क्योंकि आज के समय में ना स्टूडेंट बहुत ज्यादा प्रेशर्स रखते हैं कि हाँ भाई नहीं हुआ तो बहुत सारे लोग सुसाइड भी करते हैं भाई। तो वहां पे जब आपका प्लान ए अनसक्सेसफुल होगा ना, तो वहां पे ना प्रेशर नहीं होगा, थोड़ा सा छूट रहेगा कि हाँ भाई प्लान बी है मेरे साथ, अभी कुछ हो सकता है। अगर आपका लव लाइफ का बात करें, तो अगर मान लेते कि छोड़ दिया या फिर छोड़ दी, तो वहां पे आप गलत जगह पे नहीं जाओगे। बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि ब्रेकअप हो जाते हैं तो भाई कोई पीने लगता है या फिर कुछ गलत लत लग जाती है, तो वो लत नहीं लगेगा क्योंकि 0.1% आपको मोटिवेट करेगा कि भाई अभी हम हैं तेरे साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई रहे ना रहे। क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट हाउ टू हैंडल प्लान बी। आप अपने मम्मी पापा से पूछना, वो लोग बोलेंगे कि लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। कैसे आपको फैमिली को, कैरियर को, सभी चीज को बैलेंस लेकर चलना है। जब सभी जगह पे बैलेंस है, तो फिर हम लोग प्लान ए और प्लान बी को बैलेंस करके क्यों नहीं चल सकते, चल सकते हैं ना। तो प्लान ए और प्लान बी को दोनों एक साथ एग्जीक्यूट करना, चाहे वो आप लव लाइफ में जाते हो या फिर कैरियर में जाते हो, चाहे आप फ्रेंड्स में जाते हो, हर एक जगह पे प्लान बी अपने लिए रखना, किसी और के लिए नहीं। प्लान ए किसी के लिए भी रखना, कोई दिक्कत नहीं भाई तुम्हारे लिए, लेकिन प्लान बी खुद के लिए रखना। क्योंकि ये 0.1% बहुत दिखने में छोटा है, लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो यही बहुत कुछ बन के तुम्हारे साथ में रहेगा कि हाँ भाई हम हैं, टेंशन नहीं ले। इस पूरे वीडियो का मोटो या फिर बोलो समरी ये है कि प्लान ए और प्लान बी को हमेशा एग्जीक्यूट करना, हमेशा 0.1% अपने लिए रखना। 99.9% दूसरे के लिए रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 0.1% अपने लिए रखना। और तीसरा, प्लान ए और प्लान बी दोनों एक साथ एग्जीक्यूट करना।
क्योंकि ये पहले के ज़माने में होता था कि हाँ भाई आप एक बार में दो काम नहीं कर सकते हो, आपका ह्यूमन माइंड है आप एक बार में तीन काम कर सकते हो, इतना तक जा सकते हो। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।